क्या कभी ईद कभी दिवाली में हुई शहनाज गिल की एंट्री? आखिरकार शहनाज ने क्यों छोड़ा था अपना परिवार? क्या अपने बॉलीवुड डेब्यू से एक बार फिर से फैंस का दिल जीतेगी? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जियाल। दोस्तों, सलमान खान की अपकमिंग फिल्म कभी ईद कभी दिवाली बहुत ज्यादा चर्चाओं में बनी हुई है। एक के बाद एक एक्टर्स की एंट्री इस फिल्म में हो रही है और सलमान खान भी बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी से चल रहे हैं और बड़े बड़े और फेमस नामों को इस फिल्म से जोड़ रहे हैं ताकि फिल्म को बहुत ज्यादा फायदा मिले। अब आपको बता दें दोस्तों, पंजाब की कैटरीना कैफ यानी कि फेमस शहनाज गिल का नाम भी कभी ईद कभी दिवाली से जुड़ चुका है, जो कि उनके फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसी के साथ शहनाज अपना बॉलीवुड डेब्यू करेंगी। आपको बता दें, कभी ईद कभी दिवाली चार भाइयों की कहानी है, जिसमें से आयुष शर्मा भी सलमान खान के भाई का रोल प्ले करने वाले हैं। और अब कहा जा रहा है कि आयुष के अपोजिट शहनाज गिल हमें फिल्म में नजर आने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें, शहनाज गिल की पॉपुलैरिटी कितनी है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बिग बॉस 13 से वो घर घर पहुंच गई और लोगों की दिल की चहेती बन गई। आपको बता दें दोस्तों, शहनाज गिल का जन्म चंडीगढ़ में हुआ था। बचपन से ही उन्हें एक्टिंग का शौक था, इसीलिए छोटी सी उम्र में उन्होंने मॉडलिंग करना शुरू किया था। बहुत कम लोग जानते होंगे कि शहनाज का परिवार बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो एक्टिंग या मॉडलिंग करे, और ये जानकारी शहनाज ने बिग बॉस 13 में भी दी थी। शहनाज ने बताया था कि अगर वो कभी देर रात शूटिंग से घर आती थी तो घर में बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे, जिसके बाद उन्होंने घर ही छोड़ दिया। लेकिन जब एक्टिंग की दुनिया में शहनाज ने कदम रखा और खूब नाम कमाया तो घर वालों को भी बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस हुआ, इसीलिए वो शहनाज को वापस घर ले आए। आपको बता दें, पढ़ाई की शहनाज ने पंजाब की यूनिवर्सिटी से, उन्होंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया, फिर एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। साल 2015 में म्यूजिक एल्बम शिव दी किताब से उन्होंने डेब्यू किया, लेकिन इससे उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिली। फिर उन्होंने मजे दी जट्टी और गैरी संधू के गाने हॉली हॉली में काम किया, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई। शहनाज गिल ने बिग बॉस 13 से हिंदी इंडस्ट्री को अपनी अलग पहचान दिखाई और लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया, इसीलिए लोग उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बिग बॉस 13 के बाद शहनाज आज भी बनी हुई है इंडस्ट्री में और जगह जगह उनकी ही चर्चा होती रहती है। आपको बता दें, बिग बॉस 13 में सिरनाज भी बहुत ज़्यादा फेमस हुए। सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया। हालांकि सिद्धार्थ शुक्ला अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अभी भी इन दोनों को बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता है और फैंस इन्हें सिरनाज करके बुलाते हैं। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हो अपनी शहनाज को कभी ईद कभी दिवाली में देखने के लिए, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।